गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। दिस इज द विनय कुमार यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय सर। आई इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं फिल लाइक, यानी फिल लाइक का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। यानी अक्सर हमें अपने हिंदी सेंटेंस में देखने को मिलता है, मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, दिल कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देखने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा फील लाइक, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस V1 प्लस ING लगाएंगे आप लोग, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको आप यहाँ पे लिखने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, मुझे कुछ मीठा खाने का इच्छा, मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। जैसे आप लोग अक्सर कहा करते हैं, मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो मुझे की इंग्लिश आप सब जानते हैं, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, ठीक है। तो मुझे क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, तो इच्छा होने की इंग्लिश क्या होगी, फील, यानी इच्छा हो रही है मतलब फील लाइक। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, फील लाइक लिखेंगे, ठीक है। तो आपकी इच्छा हो रही है, किस चीज की इच्छा हो रही है, खाने की, किस चीज की, खाने की, और क्या खाने की, तो कुछ मीठा, तो समथिंग स्वीट, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे अंग्रेजी सीखने का दिल कर रहा है, ठीक है, मुझे अंग्रेजी सीखने का दिल कर रहा है। तो ऐसे तो मुझे की इंग्लिश आपको मालूम है आई, और दिल कर रहा की इंग्लिश हो गया फील लाइक। फील लाइक किस चीज की आपका दिल कर रहा है, सीखने की, क्या, लर्निंग, क्या करने की, लर्निंग करने की, सीखने की, और क्या सीखने की, तो इंग्लिश सीखने का दिल कर रहा है, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे वहां जाने का मन कर रहा है, ठीक है, मुझे वहां जाने का मन कर रहा है। तो आप इसको, मुझे की इंग्लिश सबको मालूम है, आई हो जाएगा, मन कर रहा है यानी फील लाइक, ठीक है। और किसका मन कर रहा है, जाने का, क्या करने का, जाने का, गोइंग, कहां जाने का, तो वहां जाने का, ठीक है। तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट पे आपने इस प्रकार की स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही यदि हमारा सिंगुलर हो जाता है तो यहाँ पे फील्स हो जाता है, ठीक है, यानी ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, कोई नाम आ जाएगा, तो यहाँ भी आप फील्स लिखेंगे या फील का प्रयोग नहीं करें। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, राधा को अंग्रेजी सीखने का दिल कर रहा है, तो राधा फील्स लाइक लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, तो वैसे हो जाएगा। यदि इस सेंटेंस में निगेटिव हो जाता है, जैसे मुझे वहां जाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप बनाएंगे आई डोंट लगा दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको फील लाइक, और मुझे वहां जाने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, ठीक है। तो ये आपके नकारात्मक हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, तो ये निगेटिव के लिए हो गया, ठीक है। तो जैसे आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, मुझे क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, मुझे मुझे त्रिपट्टी जाने का मन कर रहा है, मुझे बाजार जाने का मन कर रहा है, मुझे मुझे उनसे बात करने की इच्छा हो रही है, तो ऐसे सेंटेंस को आप फील लाइक के प्रयोग के द्वारा बना सकते हैं। यदि कंटिन्यू आप इस प्रकार के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको इंग्लिश पे एक अच्छी कमांड हो जाएगी, अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी,
और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों तक पहुंचाने का काम करें। थैंक यू वेरी मच।